गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमपिता परमात्मा सर्वसृष्टि रचनहार हम सभी प्राणियों के जनक कबीर साहेब जी हैं, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी हैं, जो काशी शहर में भारत वर्ष की पवित्र धरती पर काशी शहर के अंदर लहर तारा नामक एक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए थे, अपने सतलोक से चलकर आए थे। ये पूर्ण परमात्मा है, सर्वसृष्टि के रचनहार हैं और उन नवजात शिशु रूप में प्रगट परमेश्वर को नीरु नीमा नाम के जुलाहा दंपति घर ले गए थे। वो निसंतान थे। एक लीला करते हुए परमात्मा वहां जुलाहे की भूमिका करने लगे, जिस कारण से वो कबीर धानक रूप से प्रसिद्ध हुए, कबीर जुलाहा रूप से प्रसिद्ध हुए और साथ में प्रसिद्ध कवियों में से भी एक परमात्मा का नाम विशेष आदरणीय रहा। वास्तव में परमात्मा अपने ज्ञान को, अपनी जानकारी को, परमात्म तत्व को स्वयं ही बताने के लिए यहां आते हैं और उसी विधान अनुसार, अपने उसी लीला अनुसार वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और कलयुग में भी सन 1398 में यही लीला की परमात्मा ने। परमेश्वर ने हमें आकर समझाया कि तुम सतलोक में रहा करते थे, आपकी वहां जन्म और मृत्यु नहीं होता था, आपके ऊपर यहां एक ये जो शरीर आपको दिया है ये आपका एक बंधन है, आपके ऊपर एक ये बेड़ी डाल रखी है। इस प्राणी को परेशान करने के लिए इस काल भगवान ने हमारे ऊपर ये स्थूल शरीर जो चढ़ा रखा है ये हमें परेशान करने का माध्यम है, मीडिया है। इस जीव को जितना कष्ट इसमें दिया जा सकता है ये देता है, चाहे वो पशु रूप योनि में, चाहे पक्षी योनि में या मानव शरीर में। परमात्मा ने आके बताया कि इस शरीर में जिसमें तुम रह रहे हो ये क्या है, कैसा है, तुम हमेशा इस शरीर को पाकर के ये चिंतित रहते हो, चिंता करते हो कि हे भगवान कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए।
परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि मुझे चिंता इस बात की है कि तुम इसमें जीवित कैसे रह रहे हो, तुम रह कहां रहे हो इस शरीर में, हड्डियां, मांस, रक्त, थूक, पेशाब, बिष्टा, हर तरह की लाल इसके अंदर भर रखी है और उसमें तुझे डाल रखा है। कभी आपने सड़क के ऊपर कुत्ता मरा हुआ देखा हो एक्सीडेंट के कारण, उसका अंदर से क्या मटेरियल बाहर निकल जाता है, उसको देख करके हमें मुंह मोड़ना पड़ता है, देखा नहीं जाता, और हम उसी में रह रहे हैं। हमारा शरीर ऐसा ही है जिसमें हम विद्यमान हैं। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, इस मट्टी के महल में मगन भया क्यों मूडे, कर साहेब की बंदगी ही उस साईं को ढूंढ, उस परमात्मा को, उस साईं को, उस मालिक को, तत्ब्रह्म को, परम अक्षर ब्रह्म को खोजो। फिर बताते हैं कि ये जो आपको शरीर मिला है ये मिट्टी का है, पांच तत्वों से बना हुआ है, अंत में इसका अंतिम संस्कार जब कर दिया जाएगा ये मिट्टी में मिल जाएगा, नामो निशान नहीं रहेगा आपका। इस मिट्टी से आप बहुत कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं, मनुष्य शरीर रूपी मिट्टी जो आपको प्राप्त हुई है इससे आप बहुत लाभ उठा सकते हो। इस मिट्टी से सोना उपजा सकते हो, सत साधना करके, धर्म पुण्य करके आप इस मिट्टी का बहुत लाभ उठा सकते हो। आपको काल भगवान ने, ब्रह्म ने अत्यंत कष्ट दिया हुआ है और उन कष्ट में शरीरों में से हल्का कष्ट में ये मनुष्य शरीर आपको प्राप्त है, और इस मनुष्य शरीर में आप कितने दुखी हो आप विचार ना करने से आप नहीं सोच पाते हो कि हम सचमुच इस मनुष्य शरीर में भी महाकष्ट उठा रहे हैं। हम स्वयं नहीं सोच पाते हैं, जब हम तत्व ज्ञान सुनते हैं, परमात्मा का संदेश हमें प्राप्त होता है, फिर हम विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, फिर हमें लगता है कि सचमुच हम बहुत दुखी हैं। इस मानव शरीर को हम अच्छा शरीर मानते हैं, अन्य योनियों से, अन्य प्राणियों के शरीरों से मानव शरीर बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी अच्छा नहीं है। इसमें कभी कोई बीमारी है, इसके अंदर भी कहीं कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। सबसे ज्यादा टेंशन इस मानव शरीर में प्राणी को प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा विकार मानव शरीर में ही हमारे लगा दिए काल ने कि कहीं ये भक्ति ना कर लें। मानव शरीर परमात्मा ने इसलिए हमें दिलवाया इस काल से कि मानव शरीर में ये प्राणी मुझे पहचान लेगा। इस मानव शरीर में इस काल ने और अत्यधिक विकार जड़ दिए ताकि ये भक्ति ना कर सके। प्रथम तो इसने ऐसा जुगाड़ जोड़ दिया कि परमात्मा के बारे में यथार्थ ज्ञान ही इसे प्राप्त ना हो मानव को। आप देख रहे हो ना ब्रह्मा जी को ज्ञान, ना विष्णु जी को ज्ञान, ना दुर्गा जी को ज्ञान, ना ऋषि महर्षियों को आध्यात्मिक ही वेदों का कोई ज्ञान नहीं, और न ही ब्रह्म को ज्ञान। केवल परम अक्षर ब्रह्म, वो तत् ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा आकर ही ज्ञान हमें देता है। इसने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि प्रथम तो इस प्राणी को ये ज्ञान ही ना हो, ये साधना करे तो मेरे सतर्की ही करे, मेरे जाल में फंसा रहे, इसकी सोच है ब्रह्म की। और जब परमात्मा आते हैं पूर्ण ब्रह्म, अपना ज्ञान देते हैं,
यथार्थ ज्ञान देते हैं, हमें प्रेरणा होती है, हमारी उत्सुकता बढ़ती है, हम खिंच जाते हैं भगवान की तरफ उसके गुणों से परिचित होकर के। फिर हम चाहते हैं कि भक्ति करें, हम चाहते हैं कि डट के भक्ति करें, दिन रात साधना करें, क्योंकि हम परिचित हो जाते हैं अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से और उस तत्व ब्रह्म से, परम अक्षर ब्रह्म से। कब परिचित होते हैं? जब तत्वदर्शी संत हमें मिल जाता है। सतगुरु मिला तो इच्छा मिट, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थान है। जब हमें यह ज्ञान होता है कि एक ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद ना जन्म मृत्यु नहीं होती, जरा मरण नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है, वहां पर हमारा शरीर भी इतना अच्छा है कि उसमें कोई बीपी हाई लो नहीं होता, कोई कष्ट कोड नहीं है, कोई रोग नहीं है, वो अनामे स्थान है, अनामे, जहां रोग नहीं किसी प्रकार का, जन्म मृत्यु का रोग भी नहीं है। तो हमारी प्रेरणा होती है, हम संत के निकट जाते हैं। तो काल ने और एक जबरदस्त षड्यंत्र रचा हुआ है कि नकली संत भेज दिए। इस कलयुग में ही सतलोक का ढंडोरा पीटा गया, न सतयुग में सतलोक का जिक्र, न त्रेता युग में, न द्वापर में। अब कलयुग के अंदर परमात्मा का प्रॉमिस हुआ था इस काल के साथ, इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने कहा था कि कलयुग में आप जितने चाहो जीव ले जाना, तीन युगों में आप जीव ना ले जाना, कम ले जाना। तो अब सतलोक की महिमा का गुणगान अब होना था, काल ने पहले ही अपने दूत भेज दिए, ये झूठे नकली, ये झूठे ज्ञान युक्त, नाम सतलोक का लें, कह कह का पता नहीं, नाम काल के दें और बात करें सतलोक जाने की। इरादा स्वामी पंथ धन धन सतगुरु डेरा सच्चा सौदा सिरसा वाले आ दिया जी, इसने ये नकली पंथ चला दिए, करोड़ों जीवों को उसमें फंसा दिया। ऐसा हमारे साथ इसने एक और षड्यंत्र रच दिया। फिर आगे क्या कर रखा कि शरीर ऐसा दे रखा है कि हम भक्ति करना चाहें तो नहीं कर सकते इसमें, वे तो रजा मालिक की होगी। उस परमेश्वर ने ऐसी विधि बता दी कि हम थोड़ी भक्ति करेंगे तो भी बेनिफिट कई हजार गुना मिलेगा हमें, ऐसा तरीका बताया हमारे को। अब जैसे ये मानव शरीर मिला है, इसमें हमारे साथ एक और जुल्म कर दिया, इसने पांचों विकार लगा दिए। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, कबीर कुत्ता रुत पर, कबीर कुत्ता 30 दिन रुत पर रहे उदास, और कामी नर कुत्ता सही 6 ऋतु 12 मास। विचार करना परमात्मा के एक संदेश पर, गहराई से सोचना, तब आपको पता चलेगा कि हम कितने षड्यंत्र के तहत काल ने यहां बंद कर रखे हैं, फंसा रखे हैं। परमात्मा कहते हैं कि कुत्ता जो होता है 30 दिन ही उत्तेजित रहता है काम वासनावश संतानों उत्पत्ति के लिए, फिर शेष समय वो शांत रहता है। और परमात्मा याद दिलाते हैं कि कामी नरकुता से ही 6 ऋतु 12 मास, और मनुष्य के लिए कहा है कि इसका कोई समय फिक्स नहीं, इसके अंदर इतनी उत्तेजना और ये वासना ठोक दी काल है। परमात्मा कहते हैं, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैलबे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैलवे। अब क्या होता है, परमात्मा की प्रेरणा पाकर आत्मा तड़स जाती है, उसके पाने के लिए यूं सोचती है कि मैं यदि राज्य भी त्यागने की आवश्यकता पड़ी तो इस आत्मा ने राज्य भी त्याग दिया। पिछले उदाहरण है, राजाओं ने राज त्याग कर भगवान पाने की चेष्टा की, कहां चले गए, जंगल में चले गए। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि एक नारी त्याग देनी, आप जी प्रेरित हो गए, एक स्त्री को त्याग कर चले गए,
किस उद्देश्य से, कि ये भक्ति में बाधा करती है। हम नारी के पास रहेंगे तो वासना जागेगी, भक्ति बाधा बनेगी, इसके करके तुम छोड़ जाते हो। परमात्मा कहते हैं नहीं, एक नारी तो त्याग दीनी, और ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये पांच शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये तेरे साथ जुड़े हुए, ये पांच बाधक और तेरे साथ है, इनको त्याग दो बात बनेगी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर जी कहते हैं मतंग शब्द स्पर्श रूप रसगंध, मतंग कुरंग पतंग बरंग और सिरंगा, इंद्री एक और ठगोतिस अंगा, तुमरे संग पांचों पर काशा, योग युगत की झूठी आशा। क्या बताते हैं कि जैसे शब्द स्पर्श, जैसे कुरंग, कुरंग कहते हैं हिरण को, हिरण के अंदर एक सबसे भयंकर विकार है कान का विषय, शब्द का विषय, और हिरण को पकड़ने वाले जो शिकारी होते हैं वो एक प्रकार की धुन निकालते हैं सारंगी पे, ऐसे ऐसे करते रहते हैं तार को घुमाकर, तो वो मृग के कानों में जब गिरती है, हिरण के कानों में, तो इतना विवश हो जाता है कि वो अपने शत्रु के पास खिंचा चला आता है और उसके सामने ऐसे सिर रखकर बैठ जाता है। उसका इतना जबरदस्त कान का विषय है, यानी गाने सुनने की आदत बहुत जबरदस्त है। शब्द स्पर्श, स्पर्श माने काम वासना, हाथी के अंदर सबसे अत्यधिक काम वासना होती है। शिकारी क्या करते हैं, हाथियों को पकड़ने के लिए एक अथनी को ट्रेंड करते हैं और जमीन में एक लंबा चौड़ा गड्ढा खोद देते हैं, काफी लंबा, सैकड़ों फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा, और उसको ऊपर से लकड़ों से छाप देते हैं, छत दे देते हैं पतली पतले लकड़ों से, और उसके ऊपर के घास रख देते हैं, ऐसे ही ताजा घास काट के उसके ऊपर के डाल देते हैं, ये पता ना लगे कि यहां गड्ढा छाप रखे। उधर से उस हथनी को छोड़ देते हैं हाथियों के झुंड में, वो हथनी जाती है हाथियों के साथ, वो छेड़छाड़ करती है, अपने शरीर को स्पर्श करती है, उनके अंदर वासना जागृत कर देती है। हाथी इतने अंधे हो जाते हैं उसके साथ विलास करने के लिए, उसको पकड़ना चाहते हैं, वो ट्रेंड होती है, भाग लेती है, वो सीधा भागती है। एक बार तो उसको पता होता है वो, फिर और हाथी उसके बिल्कुल निकट आ रहे होते हैं, 10-20 फुट पीछे होते हैं, हथनी फिर साइड में भागती है, उसको उसके साइड से निकलकर फिर सीधा उधर ही आ जाती है। हाथी सीधा चलने के इधर ना भाग कर उसके पीछे, जब उसको वापस आया सामने देखते हैं, वो सीधे ही भाग लेते हैं और सीधे उस खाई के अंदर, गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। वो देख नहीं पाते क्योंकि वैसे हाथी बड़े सूंघ सूंघ कर कदम रखते चलते हैं जब, लेकिन उस वासनावश इतने अंधे हो जाते हैं वो ये भी नहीं देखते कि आगे हमें खतरा भी है कि नहीं, और गड्ढे में गिर जाते हैं। उनको फिर भूखा रखा जाता है एक दो दिन, हाथी एक दो दिन भूखा रहने से ही निढाल हो जाता है, फिर उसके अंकुश मार मार के उसको सीधा किया जाता है, फिर दूसरी साइड से गड्ढे को स्लोप बना करके उन सब हाथियों को पकड़ के बाहर आ जाते हैं। एक वासना के कारण अंधे होकर गड्ढे में फंस गए, अब वो सारा जीवन उनके अंकुश लगा रहेगा, खाना भी समय पर नहीं होगा, उनकी दुर्गति हो रही होगी। गांव गांव में, नगर नगर में उनसे आटा नमक मांगा जाएगा उन हाथी को पकड़ने वालों द्वारा। शब्द स्पर्श रूप, रूप जैसे पतंग आपने देखे होंगे, पतंगे जीव होते हैं, ये तीतली सी,
ये क्या करते हैं, दीपक को जगता हुआ देखकर एकदम उसको उसके ऊपर आकर चिपक जाते हैं। उनके बस की बात नहीं, उस रूप पर इतने आसक्त हैं और अपना जीवन नाश कर लेते हैं, वो दूर नहीं हो सकते हैं। रस जैसे मछली के अंदर ये जीभ का स्वाद अत्यधिक होता है, मछली पकड़ने वाला क्या करता है, एक कांटे में लोहे का कांटा बना लेता हुक सा और उसमें थोड़ा सा मांस का टुकड़ा लगा देता है या कोई रोटी का टुकड़ा डाल देता है। मछली खाने के लिए उसमें आकर एकदम ऐसे अपना मुंह मारती है और वो कांटा उसके मुंह में फंस जाता है, गट जाता है और थोड़ी सी हलचल देखकर कांटा पकड़ने वो मछली पकड़ने वाला उसको पकड़कर बाहर फेंक लेता है, दो सेकंड में वो तरफ कर मर जाती है। यानी जीभ के स्वाद से उसने अपना जीवन नष्ट कर लिया। अब गंध, सुगंध, महक की जो आदत है, विकार है, ये भौरे के अंदर होता है। भौरा फूलों पर जाकर बैठ जाता है और इतना मदहोश हो जाता है कि वहां से ऊंटता नहीं, चिपका ही रहता है। और शाम के समय कुछ ऐसे फूल होते हैं जो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, सुबह तक उसकी मृत्यु हो जाती है। अब परमात्मा कहते हैं, कुरंग मतंग पतंग शरंग और धरंगा, इंद्री एक पर ठगो तीस अंगा, तुमरे संग पांचों पर काटा, ये योग युगत की झूठी आशा। पुण्यात्माओं, परमात्मा की याद दिलाना चाहते हैं कबीर जी कि मानव शरीर में तुम्हारे साथ ये पांचों शत्रु लगा दिए काल ने, ये पांचों शत्रु तुम्हारे साथ फट कर दिए। तुम बात बनाते हो साधना करेंगे समाधिष्ट हो जाएंगे, ये ऋषि लोग जो समाधि लगाया करते थे हजारों वर्ष बैठ जाते थे, ये अपना जीवन नष्ट कर गए। पुण्यात्मा, मन प्रत्येक प्राणी में है, पशु पक्षी में है, मनुष्य में भी है, ऋषि में भी है और हम जैसे नागरिकों में भी वही मन सेम टू सेम है, उसका एक जैसा स्वभाव है। आप जी साधना करने बैठते हो सतनाम की, मन पल पल में भागता है, इसको फिर रोका जाता है, फिर भागता है, दस मिनट में फिर भाग लेता है, फिर रोका जाता है, इसका आदत खराब है, ये टिक नहीं सकता। या कोई ऐसी बात याद जो आएगा, चल वहां चलते हैं, वहां ले जाएगा। अब ये ऋषि लोग कैसे बैठ गए इतने समय तक, मन तो वही है। अब जैसे आप फिल्म देखने जाते हो, जाते थे पहले, अब तो नहीं देखोगे, तो तीन घंटे की फिल्म होती थी और तीन घंटे में पता नहीं लग रहा था एकदम दो मिनट होगी तीन, अब वो तीन घंटे बैठ कर देखो आपके एक स्थान पर, बस की इंतजार दस मिनट करनी हो जाना तो मुश्किल हो जाया करती, मैं देखा करते आई नहीं। ऐसे कई कई बार उठकर देखते हैं, ट्रेन की इंतजार करनी हो दस बीस मिनट तो देखते हैं, अभी तक आई नहीं, छह बार देखेंगे दस मिनट में, उठ उठ कर आएंगे। तो वहां कैसे बैठ गए वो ऋषि जन? ये समाधि जो लगाई जाती है ये इनके साथ सबसे बड़ा धोखा है काल का। जैसे आंखें बंद की, इस शरीर को पिंड बोलते हैं, ब्रह्मांड को अंड कहते हैं, ब्रह्मांड में जो भी गतिविधि जहां विशेष स्थान पर हो रही है उसका, उसको हम अपने इस शरीर रूपी टेलीविजन में देख सकते हैं। इसके चैनल हैं मूल कमल, स्वाद चक्र, स्वाद कमल कह लो इसको, और नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल, संसार कमल। अब ये जो समाधिस्थ होने परमात्मा की क्या किसको होती है, जो पिछले जन्मों से ही परमात्मा की साधना करता रहा है और उसकी वो रुक नहीं सकता भगवान की भक्ति बिना, कोई ना कोई सहारा उसने मालिक का ले रखा है, चाहे वो झूठा है चाहे ठीक है या गलत, उसको नहीं मालूम। फिर आत्मा की संतुष्टि तभी होती है जब वो कुछ
कोई साधना करती है, कोई व्रत रखकर है संतुष्ट है, कोई मंगलवार न प्रसाद बांट देता है उसी से संतुष्ट है, और कोई देवताओं की पूजा में करके ही कहता है मैंने कुछ कर लिया। तो इस आत्मा का परमात्मा की भक्ति बिना ये टिक नहीं सकती, तो इसलिए ये अपना कहीं ना कहीं जुगाड़ जोड़े रहती है। तो जब ये समाधिस्थ होने की चेष्टा करता है श्रद्धालु, काफी वर्षों तक आंखें बंद करके अंदर ये आत्मा टक्कर मारती रहती है, और किसी कारण से इसके पिछले पुण्य कर्मों के कारण कोई चैनल ऑन हो रहा है इसका पहले से। अब तो ढाई ढाई घंटे सुबह ढाई घंटे शाम में बैठनी है, यरा दसवीं पंथ धन धन सतगुरु, इन्हें कख भी ना बेरा के दिखे अंदर, ये तो तुक्के वही बकवाद कर रहे हैं बेमतलब की, इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। उन ऋषियों को दिखाई देता था, क्या दिखाई देता था, जैसे कोई चैनल ऑन हो गया, कोई कमल खुल गया हो पिछले पुण्यों से, हठ योग से वहां पहुंच गए वो, तो उसको अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जैसे आप कोई चैनल ऑन किया टीवी चैनल, उसमें जो भी उस स्थान पर कोई क्रिया हो रही है वो टेलीविजन में दिखाई दे रही है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई खबर आ रही है, या कोई और दिखा रहे हैं कुछ तमाशा नाटक आ रहा है, ऐसे इस टेलीविजन या अर्थात चैनल के अंदर ऊपर जहां उसका कनेक्शन है उस चैनल का, उस लोक में जैसे विष्णु जी के लोक का चैनल ऑन हो गया मान लीजिए, अर्थात आपका नाभि कमल खुल गया, ऑन हो गया, चालू हो गया, और आपकी आत्मा वहां पहुंच गई हठ योग से, क्या देखेगा वो, क्योंकि विष्णु जी का लोक बहुत बड़ा है, पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है, और उसके अंदर जगह जगह पर अलग अलग स्थानों पर बहुत अच्छे बाग बगीचे झरने लगे हुए हैं, डांस होते हैं अप्सराओं के, अप्सराएं घूम रही हैं, देवता घूम रहे हैं, यानी वहां हर तरह की, जिसको हम आनंद मानते हैं इस झूठे सुख को, जिसको हम सुख मानते हैं वो स्वर्ग में पूरा उपलब्ध है, जैसे होटल में सब व्यवस्थाएं होती है, लेकिन उस स्वर्ग रूपी होटल में अत्यधिक और भी ज्यादा ऐसी सुविधाएं, और वहां नाच गाने झरने बह रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं बगीचे हैं बड़े बड़े फलदार। तो वो आत्मा इस शरीर के अंदर उस चैनल पर अपना ध्यान एकत्रित कर देती है, केंद्रित कर देती है, समझो वो फिल्म देख रहा है। अब उस फिल्म के देखने से उसे उसका जीवन नष्ट हो रहा है, लेकिन परमात्मा के लिए वो बैठा है, उसके पाने के लिए बैठा है। उस दयालु ने एक और रजा बख्श रखी है, उसके लिए समाधिस्थ होने के का समय जो परमात्मा के लिए उसने डिवोट किया, वो समय उसका तप में काउंट हो जाता है, उसका तप बन जाता है, और तप से उसको राज्य प्राप्त होता है। समाधिस्थ होने से पहले वो जो नाम जाप करता है, क्योंकि ऋषिजन पहले ओम नाम का जाप जपते थे और कोई मंत्र नहीं जपते थे जो भगवान पाने के लिए ट्राई करना होता है, ओम नाम का जाप प्लस में हठ योग, हठ योग करने का किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। ओम नाम का जाप का प्रावधान है वेदों में, लेकिन ये ब्रह्म तक का है, जन्म मृत्यु इससे नष्ट नहीं होती, पापनाश इस केवल ओम मंत्र से नहीं होते, तो ये साधना उपलब्ध होती रही। एक समय मार्कंडेय ऋषि तप कर रहा था, अब इंद्र की पदवी यानी स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग के राजा को इंद्र कहते हैं, इंद्र वैसे प्रभु का नाम है, परमेश्वर का उपमा है कि सर्व सुखदाई परमात्मा, तो उसी के नाम से इन्होंने इंद्र का नाम रखा हुआ है। इंद्र स्वर्ग का राजा होता है, 72 चतुर्युग उसका शासन रहता है, 72 चतुर्युग।
एक चतुर्युग में सतयुग द्वापर द्वापर और कलयुग चार युग होते हैं। चारों युगों का कुल मिलाकर 43,20,000 वर्ष होते हैं। ऐसे ऐसे 72 बार ये चतुर्युग पूरे हो जाएंगे तब तक वो इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान रहेगा। उसके बाद इंद्र की मृत्यु हो जाती है। फिर दूसरा जो पुण्यकर्मी प्राणी जिसने ऐसी साधना की है, इंद्र की पदवी प्राप्त करने के योग्य जो उसने साधना कर रखी है, वो पंक्ति में होता है, वेटिंग लिस्ट में, उसको फिर इंद्र बना दिया जाता है। और जिसका शासन काल पूरा हो गया वो गधे की योनि में सीधा जाता है। ऐसा विधान है इसका। तप से राज्य राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र समानम। तप से राजा बनता है। राजा अहंकार करके इतने जुल्म कर देता है, इतने पाप इकट्ठे कर लेता है, तो सीधा फिर पशु योनि में जाता है। अब इंद्र जो वर्तमान में इंद्र शासन कर रहा है, राजगद्दी पर विराजमान है, उसको एक विशेष इंस्ट्रक्शन भी होती है, एक हिदायत होती है कि तेरे शासन काल में यदि किसी ने इंद्र की पदवी पाने योग्य कोई तप या धर्म कर दिया, कोई पुण्य कर दिया, जैसे 100 मन देसी घी गाय का या भैंस का घी 100 मन एक बार यज्ञ में लगाना होता है, और उस जैसे भंडारा भी करना है, हवन भी करना है, उसी में जिसमें 100 मन देसी घी यानी गाय भैंस का घी प्रयोग होगा, तो उसमें अन्य सामग्री कितनी लगेगी, आटा दाल नमक चावल, वो कितने लगेंगे ये हिसाब लगाना। और उसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। एक यज्ञ के संपूर्ण होने की कुछ टर्म कंडीशन होती हैं, और उन कंडीशनों में से एक भी कंडीशन भंग होगी, एक भी नियम भंग हो गया, तो वो यज्ञ पूर्ण नहीं मानी जाती, चाहे उसने 100 मन देसी घी प्रयोग भी कर दिया हो। सभी टर्म एंड कंडीशंस को पूरा करता हुआ और 100 यज्ञ 100 मन देसी घी को की पूरी कर दे, उसको इंद्र की पदवी मिलती है। और दूसरी तरफ कोई तप करता है और तप के दौरान उसका तप खंड नहीं होता है, विषय वासना उसमें उत्पन्न नहीं होती है, तो वो भी इंद्र की पदवी पाने योग्य हो जाता है। तप से राज्य मिलता है, चाहे स्वर्ग का राज्य हो चाहे पृथ्वी का राज्य हो, इन दो ही कारणों से मिलता है, पुण्य से और तप से। इंद्र को यह चिंता लगी रहती है कि तेरे शासन काल में कोई तेरी पदवी को पाने के योग्य कोई तप ना कर ले, धर्म ना कर ले। यदि उसके शासन काल में किसी ने ऐसा इस उद्देश्य से कर लिया और वो सफल हो गया, इंद्र को पता नहीं लगा, तो वर्तमान इंद्र को बीच में ही उसका शासन छोड़ना पड़ेगा और उसको गद्दी पर विराजमान कर दिया जाएगा। इस चिंता के कारण इंद्र चिंतित रहता है और वो हलकारे छोड़ देता है पृथ्वी पर। देवता घूमते रहते हैं गुप्त रूप में, यही ध्यान रखने के लिए कि कोई ऐसा तप धर्म ना कर ले जिससे इंद्र की पदवी जाती रहे। इसी दृष्टिकोण से जब उसको पता चला कि एक मार्कंडे नाम के ऋषि बंगाल की खाड़ी में वहां तपस्या कर रहे हैं, इंद्र ने एक उर्वशी भेज दी, एक सुंदर स्त्री स्वर्ग की अप्सरा, और उसको हिदायत दी गई थी कि तू उसको मार्कंडे ऋषि का तप भंग करके आ। उसने जाकर के वहां उस क्षेत्र में एक सुंदर वातावरण उत्पन्न कर दिया, सिद्धित है, बहुत ना गर्मी ना सर्दी, बहुत सुंदर वातावरण, महक छोड़ दी, अपने आप सिद्धि से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे हर तरह की बाजे बज रहे हों साजबाज से, और स्वयं वहां उस ऋषि के सामने 20-30 फुट पर डांस करने लगी, नाचने लगी। अब उसने सारा कुछ कर लिया लेकिन मार्कंडे ऋषि ने कोई गतिविधि नहीं की। उसने अंत में क्या किया कि
अपनी कमर का नाड़ा तोड़ दिया अर्थात निवस्त्र होगी। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे माई, हे बहन, या तू क्या करने आई? उर्वशी शर्मिंदा होगी, वस्त्र पहन कर कहने लगी, हे मार्कंडेय ऋषि, ना जाने आपकी समाधि कहां थी। इस वनखंड के अक्षेत्र में जितने भी तपस्वी थे वो तो मुझे देखते ही होश आवास खो बैठे। तुम्हारी समाधि ना जाने कहां थी, तुम जानो। आपसे एक प्रार्थना है कि आप मेरे साथ इंद्रलोक चलो। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी जो समाधि थी अर्थात जहां मेरी दृष्टि पहुंची हुई थी, जहां मैं देख रहा था डांस, वहां डांस करने वाली इतनी सुंदर स्त्रियां थी, तेरे जैसी तो उनके बांदी थी, साथ साथ नौकरानी थी उसके पैर धोने वाली, फिर मैं तुझे क्या देखूं। अपुण्यात्मा, परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से आपको पता चलेगा कि हम इन ऋषि महर्षियों को, इन ड्रामेबाजों को जो गांव के बनी में बैठ जाते हैं, धूना लगा लेते हैं, पांच चार आग के भट्ठ बाड़ देते हैं चारों तरफ के, और घंटा दो घंटा बैठकर मूर्ख बनाते हैं हमारे को, इनका पल्ला क्या होगा जब ऐसे ऐसे ऋषियों के साथ क्या विकीर्ण को क्या प्राप्ति हुई। अब मार्कंडेय ऋषि समाधिस्थ हो रहा था, वो समाधि लगा रहा था। समाधि में क्या देख रहा था कि ब्रह्म लोक में इस काल में एक और कमाल कर रखा है, वहां पर एक महा इंद्र का लोक बना रखा है, महास्वर्ग, और उस महा इंद्र के लोक के ऊपर नकली सतलोक, नकली अलखलोक और डुप्लीकेट अगम और अनामी लोक रच रखे हैं, दुर्गा से रचवा रखे, माया से बनवा रखे। प्रथम तो ये प्राणी ब्रह्म लोक के प्रथम स्टेज पर ही संतुष्ट हो लेता है, वहीं पर अपना जीवन नष्ट करना शुरू कर देता है। महास्वर्ग है, एक तो कॉमन स्वर्ग है, जिसने थोड़ा बहुत धर्मपुण किया हुआ कुछ समय के लिए उस स्वर्ग में उसको भेज देते हैं, और एक प्रत्येक प्रभु यानी श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री ब्रह्मा जी और दुर्गा जी के लोक में भी स्वर्ग है, रेस्टोरेंट है, यानी स्वर्ग माने सुख में सफल, जैसा यहां का सुख है वो वहां उपलब्ध है। तो ब्रह्म लोक के अंदर बहुत ही और अत्यधिक सुपीरियर क्वालिटी का ये नकली सांग है। तो मार्कंडेय ऋषि, आम आदमी तो नहीं सोचा, बड़ा जबरदस्त साधक भाई, और कितने वर्ष हो गए इसने कति आंख नहीं खोली, तो ये मन टक्कर नहीं देता, इसने यहां से अच्छा ऊपर आनंद में कोई वस्तु नजर आ गई तो इतने क्या रहेगा, इसने तो बकवाद करने का मतलब है। तो मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं कि मैं जहां मेरी समाधि थी, वहां जो मैं डांस देख रहा था, वहां नाचने वाली इतनी सुंदर थी कि तेरे जैसी तो उनका नौकरानी थी, फिर तुझे क्या देखूं मैं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर देव जी कहते हैं, डंब करें डूंगर चढ़े अंतर झिनी झोले, जग जाने बंदगी करें ये बोए सोल बबूल। ऊंचे से स्थान पर बैठा करें, या तपस्या करने वाले टीले से पे यानी ऊंचे स्थान पर, छोटी मोटी पहाड़ी पे या कोई थली पर, ताकि दूर से दिखे कि कोई साधक बैठा है, प्रशंसा के पात्र बनने के लिए। तो कहते हैं डंब करें, डंब माने पाखंड करते हैं ये, सत साधना ना करके जो भी साधना की जाती है, गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है
न कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। तो क्या बताते हैं कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं कर रहे हैं वो पाखंड कर रहे हैं, डंब माने पाखंड, डंब कर रहे हैं, डूंगर चढ़ रहे हैं, डूंगर माने ऊंचे स्थान पर। अंतर जिनी झूल, अंदर में चार स्वर्ग जान की या इंद्र का राज प्राप्त करने की, क्योंकि इनको ज्ञान ही स्वर्ग तक का है, वो महास्वर्ग हो चाहे स्वर्ग हो, आज तक और कोई भी इनको ज्ञान नहीं था सतलोक का। अब ये सतलोक का ढंडोरा काल में पटवारा कहता रहा, दासवामी पंथ और धन सतगुरु पंथ आ थे, सच्चा सौदा आ थे, इन कह का नहीं पता सतलोक का। वो है सतलोक, वो है सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सारनाम भी उसी को कहते हैं, सतपुरुष भी उसी को कहते हैं और सार शब्द भी उसी को कहते हैं, और नाम पंचों काल के दे। तो ये भी काल का एक जबरदस्त जाल है, ये नकली पंथ चलवा रखे पहले। तो क्या बताते हैं, ये अभी तक स्वर्ग तक ही सीमित थे, और जो वर्तमान में सतलोक की महिमा गाती है तो स्वर्ग के भी आसपास ना जा सकते, ये तो सीधे नरक में जाएंगे, क्योंकि न तो ये कोई धर्म करते। पहले प्रत्येक हिंदू के घर में ज्योत जगा करती, देसी घी का हवन, ज्योति कहो चाहे हवन कहो, अवश्य लगाया करते थे, उससे हवन यज्ञ का लाभ उन्हें मिलता था जितना भी जैसा वो करते थे, और धर्म करते थे, भंडारे करते थे, अतिथियों का बहुत आदर सत्कार करते थे, धार्मिक अनुष्ठान किया कराया करते थे, चाहे सामूहिक करते थे, गांव में मिलकर करते थे कभी कभी। अब लास्ट में तो वो भी खत्म होता जा रहा था। इन राधा स्वामी वालों के ये गुरुओं ने, काल के दूतों ने एक ऐसा सिद्धांत बना दिया कि कति भक्तिहीन हो जाए, नाम पात्रों काल के साधना इनके पास नहीं, हठ योग करने का प्रावधान बता दिया, ढाई घंटे सुबह ढाई घंटे शाम, ये हजार हजार वर्ष बैठ के चले गए, उनको कुछ पल्ला नहीं पड़ा। और फिर ये ज्योत नहीं जगानी, हमारी ज्योत तो हमने तो अंदर जगानी है, इस राधा स्वामी और धन धन सतगुरु पंथ के चलाने वाले प्रवर्तक श्री शिवदयाल की ज्योत जलगी अंदर, कित बुक्की में भूत बनकर बोला, वह जला दी ज्योत अंदर की सारी, ये मूर्ख बना रखे, भक्तिहीन कर दिया, विनाश कर दिया इन्होंने, सबसे बड़े शत्रु इस मनुष्य जीवन के। पुणात्माओं, 10-20 लाख रुपए आपके कोई ठग दे, कोई बात ना, आपकी जान तो ना गई और दो रोटी खा के गुजारा कर लेंगे, और जिसने इस मनुष्य जीवन को बर्बाद करा दिया उसकी कीमत नहीं, एक श्वास की कीमत परमात्मा बताते हैं। कहता हूं कई जात हूं, कहूं बजा कर ढोल, और श्वास जो खाली जात है जो तीन लोग का मोल। ऐसे अनमोल जीवन का नाश कर दिया इन काल के दूतों ने, ऋषि और गुरु बनकर काल के साधन बता दिए, भक्तिहीन कर दिए। अपने आत्माओं, इनसे अच्छा तो ये जो सिख पंथ है या हिंदू धर्म है, इन तथ्य ये 100 गुना अच्छे हैं, क्योंकि इनमें धार्मिकता बनी हुई थी। जैसे सिख धर्म में जहां भी कोई सत्संग पाठ होता है वह सभी सामूहिक अपना दान करते हैं, कोई पाबंदी नहीं किसी पर, कितना ही करो चाहे, और उसका फिर भंडारा करते हैं, ज्ञान यज्ञ सुनाते हैं, ग्रंथ साहब का यानी वाणी पढ़कर सुनाते हैं, और वो भी उससे कम से कम ये ज्ञान यज्ञ और धर्म यज्ञ का लाभ तो मिल रहा है। नाम तो उनका भी गलत है, बीज तो उनके पास है नहीं, फिर भी इन राधा स्वामी और धन धन सतगुरु और ये अंसादेश और निरंकारी आड़े, इन्होंने कति बठा बठा दिया, ना कोई धर्म कर्म का मार्ग, और नाम वो बीज भी गलत, नाम गलत है इनका। और हिंदू धर्म के अंदर भी जैसे हवन करते हैं, जोत जगाते थे, अपना धर्म भंडारा करते हैं, कोई कथा का बहाना करके भी भक्तों को जो भंडारा कर देते थे, तो ये राधा स्वामी और धन सतगुरु ने यो विनाश कर दिया। कहते ज्ञान चर्चा करो,
और पता से भी मत बांटना, पानी पानी पे और गोली हो जाओ बैठ कर 10-20 मिनट। तो इस तरह की जो क्रिया ये शुरू कर दी इन लोगों ने, पुण्यात्माओं को बर्बाद कर दिया। प्रसंग चल रहा है कि अब मार्कंडेय ऋषि काफी वर्षों से बैठा था, अब वो कैसे बैठ गया, समाधि लगा ली। समाधि हम सोचे कदे जग जाना भगती करे, यो बो है सूल बबूल, ये कांटे बो रहा की करके अपने भविष्य के अंदर इसने जीवन नष्ट कर दिया। एक समय एक गांव के बाहर जंगल था, उस जंगल में वन में ऐसे ही ये दिग्भ्रष्ट बहुत से व्यक्ति रहते थे साधु रूप में। उन्होंने हठ योग करके समाधिस्थ होने का अभ्यास कर लिया। आपको बताया कि समाधिस्थ वही हो सकता है जिसको अंदर का कोई चैनल उसकी आत्मा ने कितना कोई ढूंढ लिया सुराग बैठ के देखने का, और वहां उस जिस भी लोक में उसका अभ्यास हो गया, उस बहुत लंबा चौड़ा कि तो कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई रो रहा है, यानी कोई फल झरने बह रहे हैं, बहुत लंबे चौड़े आतिशबाजियां हो रही हैं ऐसे, तो ये मन वही टिकेगा जहां इसको अन्य स्थान से अच्छी कोई सुविधा इसके अनुकूल होगी। वो समाधिस्थ होने का अभ्यास कर लिया उन लोगों ने, साधकों ने, 10-20 साधु रहते थे, और वो नगर में आ जाते थे, वहां से कुछ खाना खा जाते थे, लस्सी वगैरह पी जाते थे, फिर अपना साधना करते रहते थे। गांव के लोग बहुत धार्मिक थे, साधु संतों की सेवा बहुत किया करते थे, आदर सत्कार करते थे। एक समय एक भक्त संत वो जो वहां अभ्यास करता था वो आ गया। उसने सोचा सुबह सुबह चलता हूं, लस्सी पी कर आऊंगा। अब वो वक्त चला गया 5 बजे से 4 बजे, और एक दरवाजा खटखटाया, एक वृद्धा यानी 60-65 साल की स्त्री सामने खड़ी थी। आओ महाराज, आओ महाराज। कैसे आना हुआ? कि माई मैं लस्सी पीऊंगा, छा पीऊंगा, छाछ को छा बोलते हैं। माई ने उसके लिए आसन लगा दिया, कपड़ा बिछा दिया गद्दा बिछा करके, और कहा महाराज जी आप बैठ जाओ, मैं अभी दूध बिलोती हूं, अभी रड़कती हूं और लस्सी बनाती हूं। उसने कहा ठीक है माई, बनाने लस्सी। माई ने कहा कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा बैठ जाओ। अब मन की तो आदत है, उसने फिर वह फिल्म देखनी चाहिए, बैठते हो समाधिस्थ हो गया, लगा ऊपर की फिल्म देखने। माई ने दूध वो बिलोया यानी लस्सी बनाई। अब कभी गर्म हो जा कभी ठंडा हो जा, उसमें पानी डाला कभी गर्म कभी ठंडा, यानी एक घंटा लग गया बुढ़िया ने वो दूध सेट करने में और घी निकालने में। एक घंटे के बाद लस्सी करके चार एक गिलास में और लेके गई नमक डाल के, केले महाराज जी पी लो, छा पी लो महाराज जी, छा पी लो। अब महाराज जी ने देखा फिल्म, उसने बाहर की कोई आवाज सुन नहीं रही, बहुत देर होगी, जोर जोर से भी आवाज लगा ली। बुढ़िया ने सोची कदे बाबा जी मर गया हो, तेरे सर हो जा। उसने गांव के पड़ोसी पड़ोसी बुलाए, उन्होंने भी जोर से आवाज लगाई, महाराज जी नमो नारायण, महाराज जी नमो नारायण। महाराज जी ने नमो नारायण थोड़ा सुना, तो वो ऊपर देखा डांस। गांव के लोगों ने पता चला कि भी पता नहीं क्या हो गया, तो साधु जो रहते थे 1-2 किलोमीटर दूर जहां उनका डेरा था वहां गए कुछ व्यक्ति और कहा महाराज जी पता नहीं एक महात्मा गए क्या हो गया, लस्सी पीने गया था और आसन पर बैठा बैठा वो तो शांत हो गया, बोलता ही नहीं। 2-3 वहां से साधु आए भक्त, वो जो साधक थे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भाई इसकी समाधि लगनी है, इसने बोलो मत, ये अपने आप आवेगा, समाधि वापस आवेगी तब ये बोलेगा। ठंडा क्षेत्र था, अभ्यास इनका हो जागत है, तरह नंगे रहने का कोई दुख परेशानी होती नहीं, अभ्यास कर लेते हैं।
तो उनका क्या हुआ कि वो बुढ़िया का जीवन पूरा हो गया 5-4 वर्ष के बाद। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसका एक कच्चा सा झोपड़ा था, उसमें वो बैठा था। लोगों ने वहां से साइड से उसकी छोटी छोटी दीवार करा दी, भाई कोई इसको डिस्टर्ब ना कर दे, कोई पशु पक्षी ना खत्म कर दे। कहते हैं 5-7 वर्ष के बाद क्या हुआ कि भूकंप सा आया, तूफान आया, वो झोंपड़ी का लठ उसका शर्मा आगे लग गया, वो पड़ गई। और जब नो कर कहने कहा माई ला माई छा, अब छा उसकी भूख उड़ बुआ बैठी जी छा जाना नहीं। अब परमात्मा कहते हैं भक्ति करें और इच्छा मिटी ना चा, और ऊठ अनाड़ी फिर भी नो कह लिया माई छा, यानी जो ऊपर तू के टिंडे लेन गया था तेन छाएगी, अच्छा रहेगी। तो अभी तक तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा, सत साधना ना मिलने से योगों से आत्मा इस प्रकार के डले इकट्ठे कर रही है, डले ढो रही है, हीरे मोती लालों के स्थान पर, यानी सत साधना तत्व ज्ञान के अभाव से सत साधना रूपी लाल हीरे मोती ना मिलने के कारण ये कौड़ी और कंकर जो शास्त्र साधना रूपी डले इकट्ठे कर रहे हैं। अब कबीर परमेश्वर जी कहते हैं चानो युग में संत पुकारे कूक कहा हम हे नरे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि हम चार युगों में आकर आवाज लगाई इस तत्व ज्ञान की, सत साधना बताने की चेष्टा की, मुझसे परिचित मेरी प्यारी आत्माओं ने भी प्रत्येक युग में संतों ने मेरे भक्तों ने यही ज्ञान प्रचार किया। लेकिन क्या कहते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया हमारा ज्ञान किने न सुनिया। पर भी लेन जाते हैं कि कहते हैं कुंभ का मेला लगेगा और उसमें इस समय पर भी लगेगी, पर भी कुछ समय होता है कि उस समय में सरोवर में या दरिया में मनमाना साधना करने वालों ने जो बना रखा अपना विधान, शास्त्र विरुद्ध साधकों ने कि इतने वर्ष के बाद अर्की पैड़ी पर भी लगेगी, इतने वर्ष के बाद कितने कुरुक्षेत्र में पर भी लगेगी। पर भी का अर्थ है कि कुछ समय होता है 2 घंटे 2 घंटे का, उसके दौरान जो सरोवर में नाले दरिया में नाले कहते हैं उनका पाप कट जाता है, मोक्ष प्राप्ति होती है, बहुत लाभ होता है। परमात्मा कहते हैं तुम्हारे जाने से पहले उस सरोवर में न जाने कितने कछुए और मेंढक मछलियां होती हैं, तो वो तो आपसे पहले स्नान कर चुके हैं, उसमें क्या उनकी मुक्ति होगी। पर भी लेन जात है दुनिया हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि हमारा ज्ञान तो किसी ने नहीं सुना और वहां भटकते कर रहे हैं। अब आप देखते हो ये कावड़ लाते हैं, आजकल कावड़ लाते हैं, कहां जाते हैं, हरिद्वार से भी आगे पहुंचते ऋषिकेश, और कुछ श्रद्धालु जाते हैं गोमुख से जाते हैं जहां से गंगा स्टार्ट होती है। अब उसका कहीं प्रावधान नहीं है, इस कावड़ लाने का किसी भी शास्त्र में जो प्रमाणित शास्त्र है जैसे पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद् गीता जी, ये प्रमाणित सदग्रंथ है, और पवित्र सूक्ष्म वेद यानी महापुरुषों की वाणी, कबीर जी की वाणी, उससे परिचित जितने महापुरुष हुए हैं संत उनकी वाणी में ये कहीं प्रावधान नहीं है। तो इन सदग्रंथों में जो साधना का प्रावधान नहीं है, शास्त्र में उसकी साधना वर्णित नहीं है, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो व्यर्थ है, यूजलेस। सन 1991 या 1992 की बात है, ये श्रद्धालु कावड़ लेने गए तो फिर कहां जाते हैं, नीलकंठ का मंदिर है ऊपर नीलकंठ पर, वहां एक आप मंदिर बना रखा है श्रद्धालुओं ने, उसमें भगवान शिव जी की मूर्ति लगा रखी है, तो वहां अवश्य जाते हैं मत्था टेकने के लिए, तभी सफल मानते अपनी यात्रा को। एक बार क्या हुआ कि किसी कारण से
वो पहाड़ जहां पहाड़ के साथ में बना हुआ वो मंदिर और उसके ऊपर ऊंची ऊंची पहाड़ियां और साइड में है। क्या हुआ कि वर्षा के पानी के कारण, कंस्टेंट झरना बहने के कारण, एक पहाड़ का टुकड़ा अलग हो गया, कट गया। वो इत्तफाक से वो उसी दिन लुढ़क गया जब वो भीड़ लगी हुई थी। और पहले तो वो मंदिर तोड़ा उसने पड़कर, नीलकंठ का सर फोड़ा भगवान शिव जी का, और फिर वहां जितने भी श्रद्धालु थे उस नीलकंठ के परिसर में वो मर्गे कति कुचल दिए। फिर वो लुढ़क कर चल पड़ा ऐसे ऐसे चक्कर काटता हुआ। वहां ऐसी स्लोप है चढ़ने की, न्यू ऐसे चढ़ते श्रद्धालु ऐसे ऐसे, वो उसी स्लोप से वापस लुढ़कता हुआ नीचे की ओर चल पड़ा। वो पूरा को हजार टन का पत्थर पहाड़, और श्रद्धालु ऊपर जा रहे थे, भीड़ इतनी, उसमें रास्ता बिल्कुल थोड़ा सा साइड में, कहीं बचने का स्कोप नहीं था। ऊपर से वो रोलर बन गया, वो रोलर चल पड़ा वापस, और श्रद्धालु जा रहे थे, कुचल दिए वहां से वहां तक कई हजार की संख्या में, हजारों की संख्या। भागने का रास्ता नहीं, इधर साइड में हो सकते नहीं, ऊंची ऊंची पहाड़ी है, वो कुछ सीमित स्थान था, उसको ही कवर करता हुआ कुचलता हुआ नीचे को चल पड़ा पूरी स्पीड पर। उधर क्या था, ऋषिकेश के ऊपर एक लक्ष्मण झूला बोल रहे हैं, पुल बना रखा है ऊपर का, काफी ऊंचाई से बना हुआ है वो गंगा के ऊपर। उस पुल पर अच्छी भीड़ थी, जाने वालों की, कुछ आने वालों की। अब क्या हुआ कि किसी ने ऊपर से आवाज लगा दी कि पहाड़ टूट गया और बहुत हानि हो रही है, भाग जाओ, वापस भाग लो। अब वो वापस भाग लिए उस पुल से पार होने के लिए, तो पुल वाले जब वापस भागे उन्होंने पूछा, रे क्या हो गया? पिछले वाले कह रहे हैं पहाड़ टूट गया, बीच वाले कह रहे हैं पुल टूट गया, पुल टूट गया। अब उन्होंने सोचा ये पुल टूट गया और इतनी भीड़ होगी, अब उसमें कोई इधर धक्के मार रहा, कोई इधर मार रहा, उन्होंने सोची ये पुल टूट गया और हम दरिया में गिरेंगे, डूब जाएंगे। कहते सैकड़ों की संख्या में तो पुल के ऊपर से छलांग लगा गए गंगा में और डूब कर मर गए। और कुछ मार दिए वो कावड़िया उसने, उस पत्थर ने ऊपर तो लुढ़कता हुआ आ रहा था पहाड़ का टुकड़ा, और कुछ मर गए वहां पैरों तले दबके पुल के ऊपर, कुछ इधर भाग रहे, कुछ इधर भाग रहे, जो नीचे पड़ गए 400-500 तो उस पुल के ऊपर मसले गए, वो खत्म हो गए। कुल मिलाकर उस समय समाचार मिले थे कि 2500 व्यक्ति कावड़ लेने वाले वहां मर गए, कति कुछ जमुना में गंगा में डूबिका मर गए, कुछ उसने कुचल डाले और सैकड़ों की संख्या में पुल के ऊपर मारे गए। अब सन 2010 में भी एक घटना ऐसी भयंकर घटनी, दुखदाई, कलेजा मुंह को आता है। एक गांव के 40 सदस्य फोर व्हीलर करके कावड़ लेने गए थे और 40 के 40 नीचे खाई में गिर गई वो फोर व्हीलर, कति 40 के 40 मर गए, हाहाकार मच गई उस गांव में। और उस गांव ने प्रतिज्ञा ले ली कि आज के बाद कोई भी कावड़ लेने नहीं जाओगा, ऐसा नाश करवा कर हम माने। और परमात्मा कहते हैं ये पर भी लेन जाते दुनिया, हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया, इस ज्ञान को सुन ले तो देख कैसा आनंद है। वहां तो यात्मा कितनी संघर्षशील है, कैसे नंगे पैरों चलते हैं बेचारे, लेकर पाइया गंगा जल। अब भगवान शिव जी क्या उस गंगा जल का भूखा है? भगवान शिव जी के लोक से गंगा आती है, वो खूब नहाते धोते हैं, सुंदर स्वच्छ पानी पीते हैं, उसको ये पाइया गंगा जल की जरूरत को ना। वो तो जब कहते हैं कि सत साधना करो पीछा छुटवा लो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति वो स्वयं भी करते हैं और औरों को भी सलाह देते हैं, लेकिन उनको ज्ञान ना होने से वो ब्रह्म तक की साधना ही कर करा रहे हैं। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में लिखा है साधनाओं को करने और ना करने के लिए। श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक वर्णन आया है कि कोई साधना करता है, देवताओं की यज्ञ करता है, पूजा करता है, अनुष्ठान करता है,
और कोई केवल आसन करता है, कोई प्राण अपान यानी प्राणायाम ही करता रहता है।